क्या देवर जी भी हमारे साथ वन को प्रस्थान करेंगे? हाँ सीते, और साथ चलने के लिए आज उसने जो तर्क दिया मुझे, उस तर्क ने मुझे उसी प्रकार निरुत्तर कर दिया जिस प्रकार एक दिन आपके तर्क ने किया था। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में उसने उनके समक्ष एक संकल्प लिया था कि वो जीवन भर मेरी छाया बनकर साथ रहेगा। तब किसी को यह अनुमान नहीं था सीते कि उसका यह संकल्प कितना दूर तक जा सकता है। आज उसके अनुरोध को मैं ठुकरा नहीं सका। तब तो मेरी बहन उर्मिला भी साथ चलेगी। नहीं भाभी श्री, देवी उर्मिला हमारे साथ नहीं जाएंगी। क्यों? जब मैं अपने पति के साथ जा सकती हूँ तो मेरी बहन अपने पति का साथ क्यों छोड़ेगी? भाभी श्री, जब मेरी पत्नी को मेरा संकल्प ज्ञात हुआ और यह ज्ञात हुआ कि मैं अपने भ्राता और भाभी श्री के साथ उनका सेवक बनकर जा रहा हूं, तो उन्होंने स्वयं ही मुझे कहा कि एक सेवक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ ले जाकर अपने भ्राता पर बोझ डाले, और उन्होंने ही मुझे आप दोनों के साथ अकेले जाने की अनुमति प्रदान की है। तो क्या मेरी बहन ने 14 वर्ष तक अपने पति के बिना इस राजमहल में रहने का ही निर्णय लिया है? हाँ भाभी श्री। स्वामी, मैं अभी आती हूँ। मिला दीदी, आइए ना, आइए बैठिए, कहिए। वैसे तो मैं तुमसे विदा ले चुकी हूं, किंतु ऐसा लगा कि मैं तुमसे एक बार फिर ना मिलूं तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। क्या दीदी, कैसी इच्छा? तुम्हारे चरण छूने की इच्छा। ये क्या कह रही हैं दीदी आप? आपकी बात सुनने से पहले मेरे कान पत्थर के क्यों ना बन गए? नहीं उर्मिला, संसार के लिए मैं अवश्य ही तुमसे बड़ी हूं, किंतु आज जो मैंने सुना उसको सुनने के उपरांत ऐसा लगा जैसे कि तुम मुझसे भी बड़ी हो। मैं तो अपनी तपस्या में अपने पति के साथ हूं, किंतु तुम्हारी तपस्या उसकी कल्पना तो कोई साधारण स्त्री कर ही नहीं सकती। तुमने तो अपने पति का साथ त्याग दिया है, वो साथ जो हर विवाहित स्त्री का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। दीदी नहीं उर्मिला, ये त्याग केवल वही स्त्री कर सकती है जिसका हृदय बहुत बड़ा हो, अस्तित्व बहुत महान हो। मैंने तो अपने पति के साथ रहने के लिए वनवास का निर्णय लिया है, किंतु तुमने तो राजमहल में रह के वनवास का निर्णय लिया है। अकेलेपन का वनवास, सूनेपन का वनवास, राजमहल का वनवास। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। छाया को काया से केवल अंधकार ही दूर कर सकता है। जीजा श्री काया है और मेरे पति छाया। क्या मैं छाया को काया से दूर करने के लिए अंधकार बन जाती? फिर तो मेरा जीवन नग्न समान बन जाता। मैंने कोई त्याग नहीं किया है, केवल पातिव्रत धर्म का पालन किया है। इसीलिए तो कह रही हूं तुम महान हो उर्मिला। पत्नी व्रता धर्म
त्याग, तपस्या, इन सब की परिभाषा तुम्हारे नाम लिए बिना प्रत्येक काल तक संपूर्ण नहीं होगी। ये मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हारी महिमा के आगे नतमस्तक हूँ। आपके आशीर्वाद ने मुझे सब कुछ दे दिया दीदी। आपकी वाणी ने मेरे लिए 14 वर्ष के वियोग को सरल बना दिया। जब भी मुझे आपकी आज के दिन की बातें याद आएंगी, मुझे लगेगा कि आप मेरे पास ही हैं। आप सदा ही मेरा आदर्श रही हैं। ये त्याग है, तपस्या, जो भी है, मैंने आप ही से सीखा है। माते, ये क्या पुत्र, तुमने ये वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? आयुष्मान बहु, माते, मैं आपसे विदा लेने आया हूं। विदा? कैसे विदा पुत्र? माते, मैं ब्रदर श्री के साथ वन को प्रस्थान कर रहा हूं। तुम? किंतु तुम क्यों? तुम्हें किसने कहा अयोध्या छोड़ने को? मेरी आत्मा ने माते, अपने भ्राता के साथ रहना मैं अपना धर्म मानता हूं, और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं माते। हाँ हाँ, अवश्य निभाओ अपना धर्म, सभी तो अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। सभी को तो अपने अपने धर्म के पालन की चिंता पड़ी है, मां की भावनाओं की तनिक भी चिंता किसी को नहीं है। माते, सोचा था मेरा पुत्र राम चला जाएगा, पर मेरा दूसरा पुत्र तो मेरे पास होगा। नित दिन उसे निहारती रहूंगी, तो एक पुत्र के जाने का वियोग आधा रह जाएगा। पर वो मेरा भ्रम था, मेरा दूसरा पुत्र भी मुझे छोड़कर जा रहा है। अरे, मेरा नहीं तो सुमित्रा का ही सोचना था। वो सुनेगी कि तुम जा रहे हो तो क्या बीतेगी उसके मन पर? वो सुन चुकी है माते। सुमित्रा सुन चुकी है? हाँ माते, वो सुन चुकी है, और उन्होंने सुनकर यह कहा कि यदि मैंने इसके अतिरिक्त और कोई निर्णय लिया होता तो मैं सदा सदा के लिए उनकी दृष्टि से गिर जाता। माते, उन्होंने ही मुझे अपना अनुज धर्म निभाने का निर्देश दिया है। अब आप भी मुझे विदा करें। जाओ पुत्र, निभाओ अपना धर्म। मैं अपने छाती पर एक नहीं, दो दो पत्थर रखकर जीने का अभ्यास करूंगी। जाओ पुत्र, अब मुझसे सहन नहीं होता। जाओ। आशीर्वाद दीजिए माते। Ha ha ha!
हाँ।